ఆర్ జైశ్రీరామ్ మరి రాకేష్ జైస్వాల్ కార్పొరేటర్ జంబాగ్ హైదరాబాద్ ఆజ్ సారా భారత్ దేఖ రహా హై కి ఆజ్ చార్ స్టేటో మే హమారా భాజపా సర్కార్ సెకండ్ టైమ్ యహాన్ పర్ రాజ్ కర్ రహా హై ఆప్కో మాలూమ్ హై కి 35 సాల్ కే బాద్ ఆజ్ సెకండ్ టైమ్ యూపీ కే అందర్ భాజపా సర్కార్ ఆయా హై మే సమజ్తా హూ ये ईमानदारी का सरकार है, सच्चाई का सरकार है और भारत को रक्षा करने का सरकार है। आपको मालूम है कि इससे पहले पंजाब में भी चुनाव हुआ, पंजाब में भी हमारा भाजपा का वोट वहाँ पर शेयर बढ़ गया है। ये सभी को मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी का बहुत महत्वपूर्ण इसमें काम रहा। इस वजह से यूपी में सरकार आवा है। इससे पहले भी हमारे केसीआर साहब बहुत बड़े बड़े बात वो जैसे बोले। मैं समझता हूँ केसीआर का फादर और सन का सरकार है ये, वो जाके नेशनल पार्टी करते बोल रहे। मैं समझता हूँ जिस तरह हम, मैं भी यूपी जा चुका हूँ, यूपी में कम से कम मैं 10 स्टेट फिरा हूँ, तो जब भी हमारा हर जगह योगी और मोदी का नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं कि साइकिल पंक्चर हो चुका है और अपना हाथ भी बूढ़ा हो चुका है और यूपी में कांग्रेस तो रेस में नहीं था। मैं फिर एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने वाराणसी लेकर उत्तर प्रदेश में कितने रैलियां किया और भारतीय जनता पार्टी को सरकार जीता है। भारत माता की जय श्री राम। 300 दिनों में तेलंगाना में हम सरकार लगे फिरेंगे, ऐसा कार के सरकार कार को खत्म करेंगे। हम ये लक्ष्य बात है, बोले तो यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री खबरदार कर रहे हैं, समझे ना। इससे पहले लोग आ क्या यूपी में सरकार खत्म हो रहा क्या क्या कि उनके बच्चे बोले हमारा उसका कुछ भी नहीं। अगले साल हमारा यही रहेगा कि तेलंगाना में भी हमारा भाजपा सरकार खिलाने की पूरी कोशिश करे, कार्यकर्ता हम आने वाले समय में क्या कहेंगे किसके बाद पार्टी क्या है। देखो हमारे पार्टी का सबसे पहले नियत क्या था, एक ही हमारा था कि सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, ये भी हमारे एजेंडे पे हमारी पार्टी चल रहा और फ्यूचर में हमारी पार्टी यही एजेंडे पे चलेंगे। असेंबली में असेंबली कैसे रखते कि एक दूसरे का व्यू जानने के लिए, अरे जानने से पहले सस्पेंड के वो डर रहे हैं हमारे से, भाजपा से डर रहे हैं, इस वजह से उनको अपोजिशन जरूरत नहीं है। उनको मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तेलंगाना में एजिटेशन करे तो उनको सस्पेंड तो नहीं करा ना, उनको भी बार फिर कोई अरेस्ट करा क्या नहीं, अरे अगले को बोलने का चांस देना असेंबली में, तो हमारे व्यूज मालूम होता। आने से पहले कोई जाने से पहले सस्पेंड कर दिया, वो भी क्या बोले अनकंडीशनल सस्पेंड है, जब तक बजट है सस्पेंड करके बोले, इसकी भी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। Okay, 7 double 9.